प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौट आए हैं। अमेरिका के सफल दौरे के बाद लौटकर पीएम मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और वीके सिंह समेत बीजेपी के कई नेता पीएम की अगवानी करने पहुंचे। इन लोगों ने प्रधानमंत्री को बुके देकर स्वागत किया। उधर बीजेपी दफ्तर में मोदी के स्वागत में पटाखे फोड़े गए और उनके सफल दौरे को लेकर जश्न मनाया गया। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन क्लीन इंडिया की शुरुआत करेंगे। पूरे देश की नजर मोदी के इस बड़े अभियान पर है। साथ ही इंतजार उन तस्वीरों को देखने का है जब मोदी खुद झाड़ू उठाएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका में मोदी की रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर जो तस्वीर दिखी वो कम रोचक नहीं थी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से रवाना होने वाले थे। वॉशिंगटन डीसी के एंड्रयूज एयरपोर्ट बेस पर मोदी को विदा करने के लिए अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। मोदी भी हर किसी से बेहिचक हाथ मिला रहे थे और उनकी बातें भी सुनते जा रहे थे। देश के किसी प्रधानमंत्री को लेकर विदेश में रह रहे भारतीयों का ऐसा आकर्षण पहली बार दिखा। भारत माता की। लोगों से मिलने के बाद मोदी मुड़े तो वहाँ मौजूद दूसरे अधिकारियों से मिले और फिर प्रोटोकॉल के तहत अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर और अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने उन्हें विदाई दी। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 4 बजे अपने विशेष विमान से पीएम मोदी वॉशिंगटन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल के प्रोग्राम में अमेरिका को शुक्रिया भी कहा। आप सब ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन इस छोटे से अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भारत को आर्थिक दृष्टि से किया सम्मान किया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन इस छोटे से अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भारत को आर्थिक दृष्टि से पीछे रहने के लिए मुझे एक भी कारण कहीं नजर नहीं आता है। पीएम मोदी ने 30 सितंबर को व्हाइट हाउस की एक विजिटरी बुक में एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि वो शांति और सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति ओबामा के साथ मिलकर आगे भी काम करना चाहेंगे। स्वदेश लौटने से पहले मोदी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत आने का न्योता दिया। ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, मैंने राष्ट्रपति ओबामा और उनके परिवार को भारत आने का न्योता दिया है। अगर ओबामा अपने कार्यकाल में भारत आते हैं तो वो भारत की यात्रा 2 बार करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। ओबामा ने नवंबर 2010 में भारत की यात्रा की थी। शीतल राजपूत के साथ दीपक चौरसिया, वॉशिंगटन, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली रवाना होने से पहले वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर मौजूद देशवासियों से मिलने का पहले ही फैसला कर रखा था, इसलिए उन्होंने इसके लिए करीब 10 मिनट का वक्त निकाला और सबसे हाथ मिलाते रहे। एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों के लिए पीएम से इस तरह मिलना आसान नहीं था, लेकिन पीएम मोदी के कहने पर लोगों को खास रियायतें दी गई थी।